हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल स्टूडेंट। मैं बलजीत सर आपका इस वीडियो में स्वागत करता हूं। जैसे कि आप सब जानते हैं कि आइडल एडमिशन जो है, सब स्टूडेंट्स वेट कर रहे थे कि सर आइडल का एडमिशन कब स्टार्ट होगा, कब स्टार्ट होगा। बीकॉम का एडमिशन सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, पीजीडीएफएम एडमिशन, एमकॉम पार्ट टू एडमिशन, पीजीडी ओआरएम एडमिशन, एमसीए के एडमिशन। तो स्टूडेंट्स, अभी अभी मुंबई यूनिवर्सिटी की ओर से ये नोटिफिकेशन आई है कि जो आइडल के एडमिशन है वो स्टार्ट हो रहे हैं और स्टार्टिंग डेट जो है वो 8 सितंबर से है। मींस आज से जो है एडमिशन शुरू हो रहा है। तो मैं आपको बताता हूँ कि आप जो उसका नोटिफिकेशन है आप कैसे देख सकते हैं। आपको सबसे पहले मुंबई यूनिवर्सिटी के साइट पर चले जाना है, mu.ac.in। यहाँ पर जैसे ही आप आते हो, उसके बाद में इधर टॉप पे आपको डिस्टेंस एंड ओपन लर्निंग का आपको टैब दिखेगा। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे तो आपके सामने ये पेज ओपन हो जाएगा, ठीक है। आप यहाँ पर नीचे आके यहाँ पे देख सकते हैं ऑनलाइन एडमिशन 2020-21 नोटिफिकेशन फॉर डेट्स ऑफ ऑनलाइन एडमिशन फॉर 2021 जुलाई सेशन। जो एडमिशन जुलाई में होने वाले थे अब वो सितंबर में होंगे। तो जैसे आप इस पर क्लिक करते हो तो आपके सामने ये पेज ओपन हो जाएगा, जो यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई ने अभी अभी जो सर्कुलर है न्यू जारी किया है। आप देख सकते हैं यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई इंस्टीट्यूट ऑफ डिस्टेंस एंड ओपन लर्निंग मीन्स आइडल एडमिशन नोटिफिकेशन फॉर डेट्स ऑफ ऑनलाइन एडमिशन फॉर 2020-21। यहाँ पे सारे प्रोग्राम्स के नेम दिए हुए हैं और यहाँ पर शेड्यूल दिया हुआ है कि एडमिशन कब से लेकर के कब तक होना है। सो पहले देख सकते हैं आप पीजीडीएफएम एंड पीजीडी ओआरएम सेम वन एंड सेम टू का जो एडमिशन है वो 8 सितंबर से लेकर के 23 सितंबर तक एडमिशन प्रोसेस किया जाएगा। मीन्स यहाँ पे जितने भी प्रोग्राम्स है, चाहे वो बीए सेकेंड ईयर थर्ड ईयर हो, बीकॉम, बीएससी आईटी, बीएससी कंप्यूटर साइंस सेकेंड ईयर थर्ड ईयर, यहाँ पर सिर्फ सेकेंड और थर्ड ईयर एडमिशन की बात हो रही है। फर्स्ट ईयर तो आपको पता ही है ऑनलाइन एडमिशन, वो उसका प्रोसेस कब से चालू ही है और वो अभी बंद भी हो चुका है, ठीक है। तो यहाँ पर सिर्फ सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर बीकॉम बीए बीएससी आईटी एंड बीएससी कंप्यूटर की बात हो रही है। जैसे नीचे देख सकते हैं आप एमए पार्ट टू हिस्ट्री सोशियोलॉजी इकोनॉमिक्स पॉलिटिकल साइंस मराठी हिंदी इंग्लिश एमए पार्ट टू एजुकेशन एंड एमकॉम पार्ट टू एमएससी पार्ट टू मैथमेटिक्स आईटी एंड कंप्यूटर साइंस एंड एमसीए के जो सेकेंड और थर्ड ईयर के एडमिशन है वो भी जो एमसीए के स्टूडेंट है, ध्यान से सुन लीजिए आप भी कि एमसीए का जो सेकेंड और थर्ड ईयर है वो भी 8 सितंबर से लेके 23 सितंबर के बीच इसका एडमिशन प्रोसेस होना है। देन उसके बाद में यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट चीज मैं आपको बताता हूँ जो बहुत जरूरी है। आप यहाँ पे देख सकते हैं स्टूडेंट्स आर रिक्वेस्टेड टू मेक अ फ्रेश रजिस्ट्रेशन ऑन द वेबसाइट ऑफ आइडल oa.digitalyuniversity.ac बिफोर फिलिंग ऑनलाइन एडमिशन फॉर्म। जो भी स्टूडेंट हो, चाहे आप ऑलरेडी रजिस्टर्ड ही स्टूडेंट क्यों ना हो, लेकिन अब आपको सेकेंड और थर्ड ईयर का जो एडमिशन होगा उसके लिए आपको फ्रेश रजिस्ट्रेशन करना है। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये वाली लाइन जो है, ये वाले जो पॉइंट है सेकेंड पॉइंट, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप किसी भी ये प्रोग्राम के लिए एडमिशन लेते हो तो आपको फ्रेश रजिस्ट्रेशन करना होगा एंड देन उसके बाद में आप अपने डिटेल्स वहां पर फिल करोगे, ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमारा रजिस्ट्रेशन नंबर जो है, एप्लीकेशन आईडी, यूजर आईडी, वो गुम गया है, वो हम कैसे रिकवर करेंगे। तो उसके लिए आपको कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आपको यहाँ पर फ्रेश रजिस्ट्रेशन करना है और अपने एडमिशन प्रोसेस को आगे करना है। तो स्टूडेंट्स, ये वीडियो अगर आपके लिए इंपॉर्टेंट है तो अपने अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिए और ये डेट ध्यान में रखिए कि 8 सितंबर आज से लेकर के 23 सितंबर तक एडमिशन प्रोसेस होना है। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो जरूर सब्सक्राइब करिएगा और अपने फ्रेंड्स में भी शेयर करिएगा। तो मिलता हूं मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ में। तब तक के लिए थैंक यू।